हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द ब्लूएस्ट आई नॉवल बाय टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नॉवल है द ब्लूएस्ट आईज, और आज इसके बारे में ही हम बात करेंगे। जो भी द ब्लूएस्ट आईज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कि मैं इसके अंदर समरी नहीं करा रही हूँ। जो बेसिकली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम से रिलेटेड इस वर्क के बारे में, वो सारे के सारे आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं द ब्लूएस्ट आईज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फुल टाइटल है वर्क का द ब्लूएस्ट आईज, और जो ऑथर हैं वो ओबियसली टोनी मॉरिसन हैं। टोनी मॉरिसन बहुत ही ज़्यादा एक नोबेल प्राइज विनर्स राइटर हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है इनका। ये टाइप ऑफ वर्क क्या है? नोवेल है। इसका योनर क्या है? ट्रेजेडी है बेसिकली और एलिजी है। लैंग्वेज इंग्लिश है इसकी। टाइम और प्लेस जब ये लिखा गया है तो ये न्यूयॉर्क में 1962 से लेके 1965 के बीच में जो है इसको राइट किया गया है। इसकी पब्लिकेशन डेट क्या है? तो पब्लिकेशन ईयर इसका रहा है 1970, तो 1970 के अंदर ये पब्लिश हुआ है। और इसके पब्लिशर बेसिकली कौन है? पब्लिशर हैं इसके होल्ट, राइनहार्ट एंड विंस्टन जो हैं इसके पब्लिशर हैं। इन्होंने मिलकर इनको इसको वर्क को पब्लिश किया है। एडिशनली मोस्ट चैप्टर्स टाइटल आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिक एंड जेन पैराग्राफ इन द नॉवल्स प्रोलॉग। और जो इसके मोस्टली जो चैप्टर के टाइटल्स जो लिए गए हैं वो बेसिकली चिल्ड्रंस स्टोरी बुक्स हैं, बुक है डिकन जी जो है उससे ये इसको लिया गया है। इसके जो चैप्टर्स हैं मोस्टली वहां से लिया गया है। इस वर्क की डब्ल्यूएस्ट आई की टोन क्या है? तो बेसिकली रिलिकर है। मेट्रोपोलिकल लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स भी यूज किए गए हैं। टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस इसके यूज किया गया है, क्योंकि क्लोडिया जो है वो एडल्ट हो गई है और वो ये सारी स्टोरी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है शो किया गया है, तो पास्ट टेंस इसके अंदर यूज हुआ है। सेटिंग और टाइमिंग जो इसकी रही है वो 1940 से लेकर 41 की सेटिंग रही है, टाइम जो रहा है। और प्लेस सेटिंग इसका प्लेस कौन सा रहा है? लॉरेन ओहियो जो है इसका जो है वो जगह रही है इसके अंदर पूरे वर्क के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है द बुक्स कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफ रेसिज्म इंसेस्ट एंड चाइल्ड मोलिस्टेशन हैव लेड टू न्यूमरस अटेम्प्ट्स टू बैन द नोवेल फ्रॉम स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये बुक जो बेसिकली ये नोवेल है इसका एक्चुअली टॉपिक जो है वो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है कि यूके के यूएस के जो मोस्टली स्कूल्स और लाइब्रेरीज में जो है इस वर्क को बैन किया गया था, क्योंकि इसके टॉपिक्स जो रहे हैं वो रेसिज्म के रहे हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशंस के रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बेस पे जो है इसको बैन किया गया था स्कूल्स और लाइब्रेरीज के अंदर। द ब्लूएस्ट आईज पब्लिश इन 1970 इज द फर्स्ट नॉवल रिटन बाई टोनी मॉरिसन। और ये बेसिकली द ब्लूएस्ट आई जो है टोनी मॉरिसन का फर्स्ट वर्क था जो कि 1970 के अंदर पब्लिश हुआ था। द नॉवल टेक्स प्लेस इन लॉरेन ओहियो, मॉरिसन होम टाउन। और ये इसकी जो सेटिंग है नॉवल की वो लॉरेन ओहियो है जो कि मॉरिसन का भी होम टाउन है। एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल पैकोला हु ग्रू अप फॉलोइंग द ग्रेट डिप्रेशन। और ये स्टोरी जो है बेसिकली एक अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल की है जिसका नाम है पैकोला, और ये ग्रेट डिप्रेशन के जो है बाद की स्टोरी जिसके अंदर शो की गई है। सेट इन 1941 द स्टोरी इज अबाउट हाउ शी इज कंसिस्टेंटली रिगार्डेड एज अगली ड्यू टू हर मैनरिज्म एंड डार्क स्किन। और बेसिकली स्टोरी के अंदर दिखाया गया है कि कैसे उसके मैनर्स की वजह से, उसके डार्क स्किन की वजह से लोग उसको जो है अगली जो है वो मानते हैं कि वो अगली है। एज ए रिजल्ट शी डिवेलप्स एन इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विच फ्यूल्स हर डिजायर फॉर द ब्लू आईज शी इक्वेट्स विद व्हाइटनेस। और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अपने आप को कम समझने लगती है, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझने लगती है, और उसकी डिज़ायर हो जाती है कि उसकी भी ब्लू आइज़ हो, क्योंकि वो समझती है कि ब्लू आइज़ जो है वो सिंबल है वाइटनेस का। इट मीन्स कि अगर उसकी आइज़ ब्लू होंगी तो ओबियसली जो है वो भी उसको भी सब पसंद करेंगे,
तो बेसिकली यही वर्क का नाम इसलिए है कि उसकी डिजायर है पूरे वर्क के अंदर कि उसकी आईज जो हो ब्लू हो। थीम क्या है बेसिकली, वाइटनेस एज द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। और इस वर्क के अंदर शो किया गया है द ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेज एंड थीम्स इन द ब्लूएस्ट आईज। और ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, वो ब्लूएस्ट आई के अंदर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल थीम है ये। व्हेन द ब्रीड लव्स आर इंट्रोड्यूस्ड एज ए फैमिली, जब नॉवल के अंदर ब्रीड लव्स जो है फैमिली है जो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, वी आर टोल्ड दैट दे आर पुअर थ्रू द इयर्स बिकॉज दे बिलीव दे आर अगली। तो वो उनको ये लगता है, वो मानते हैं कि वो अगली हैं, वो पुअर इसलिए हैं क्योंकि वो अगली हैं, और वो अगली क्यों हैं क्योंकि वे ब्लैक हैं, तो वो अपने आप को जो है वो मानते हैं कि वो अगली हैं। फॉर द ब्रीड लव्स पॉवर्टी एंड अगलीनेस आर लिंक्ड, उनको ये मानते हैं कि वो गरीब हैं इसलिए अगली हैं और अगली हैं इसलिए गरीब है, मतलब दोनों को वो कनेक्ट करते हैं। जबकि वेयर एज सक्सेस एंड ब्यूटी आर लिंक्ड, जबकि वो मानते हैं कि जो ब्यूटीफुल है या जो ब्यूटी है वो सक्सेस से रिलेटेड है और अगलीनेस है वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, यानी ये जो इन दोनों को चीज़ों को जोड़ के वो मानते हैं। एट द रूट ऑफ पैकोलास पर्सनल डिस्पेयर इज द आइडिया दैट ब्यूटीफुल इजंट ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल स्टैंडर्ड ऑफ कन्वेंशनल ब्यूटी। जो पैकोला की जो पर्सनल डिस्पेयर है उसका रीजन ये है कि वो उसके दिमाग में आइडिया है कि जो सोसाइटी के जो कन्वेंशंस हैं, जो ब्यूटी का कंसेप्ट है बेसिकली, उसके हिसाब से वो ब्यूटीफुल नहीं है। बेसिकली सोसाइटी के कन्वेंशंस क्या है कि जो वाइट है वो ब्यूटीफुल है, वो वाइट नहीं है इट मीन्स कि वो ब्यूटीफुल नहीं है। She deserves the ridicule, negligence and violence meted out to her. और वो ये कहती है कि वो एज ए ब्लैक है इसलिए वो डिजर्व करती है, क्योंकि वो ब्यूटीफुल नहीं है इसलिए वो डिजर्व करती है कि लोग उसको नकारें, उसका मजाक उड़ाएं या उसके ऊपर उसके साथ जो भी वॉयलेंस हो रही है, तो ये सोच रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वो ब्यूटीफुल नहीं है। Rather than hope for society to change, वो ये नहीं सोचती कि सोसाइटी चेंज हो। इन स्पाइट ऑफ दैट पैकोला प्रेज दैट शी विल चेंज एंड वन डे वेक अप विद ब्लू आइज। पैकोला प्रे करती है कि एक दिन वो चेंज हो जाए, यानी वो उसकी आंखें ब्लू हो जाए और यानी वो सुंदर हो जाए, वो वाइट हो जाए और उसकी ब्लू आइज हो जाए। एन अल्टीमेट मार्कर ऑफ ब्यूटी, जो कि एक जो मार्कर माना जाता है ब्यूटी का कि जो वाइट है वो ब्यूटीफुल है और जो ब्लैक है वो अगली है। तो वो सोचती है कि सोसाइटी चेंज ना हो बल्कि वो चेंज हो जाए, उसकी ब्लू आइज हो जाए, जिसके बाद की सोसाइटी उसको ब्यूटीफुल मानने लग जाए और उससे प्यार करे। बेसिकली इस नॉवल के थ्रू जो है टोनी मॉरिसन ये शो करना चाह रही है कि ब्लैक जो है वो अगली नहीं है, ब्लैक अपने आप में ब्यूटीफुल है। वाइट और ब्लैक ये जो है कलर्स हैं, जस्ट कलर्स हैं और दोनों ही अपने आप में ब्यूटीफुल है। तो हम ब्यूटी के कंसेप्ट को यह नहीं मान सकते कि जो वाइट है वो ब्यूटीफुल है और जो ब्लैक वो अगली है, और इन्हीं नॉर्म्स के ऊपर, इन्हीं सोसाइटी के जो कन्वेंशंस हैं उनके ऊपर जो है उनको क्रिटिसाइज किया है टोनी मॉरिसन ने बेसिकली इस वर्क के अंदर। और ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, जैसे हम एक सोसाइटी के अंदर या हमारी जो सोसाइटी के अंदर ही कन्वेंशंस ये माने जाते हैं कि बेसिकली जो इवन किड्स के अंदर भी कि वाइट डॉल्स जो होती हैं वो ब्यूटीफुल हैं, बारबी डॉल हुई उनको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने इस शो किया है पिक्चर में, ब्लैक डॉल्स जो है वो भी आई हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही हैं, और इवन यहाँ तक कि जो एनिमेशन मूवीज़ हो रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा, उनमें भी अगर आप देखेंगे कि ब्लैक गर्ल्स को शो किया गया है और उनको एज ए अगली नहीं दिखाया गया, उनको एज ए ब्यूटीफुल यानी अपने आप में ब्लैक ब्यूटी या ब्लैक क्वीन की तरह उनको शो किया गया है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, डब्ल्यू एस आई इज डिवाइडेड इंटू फोर सेक्शन के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, ईच ऑफ विच इज नेम्ड फॉर आ डिफरेंट सीजन, और प्रत्येक इसका जो है नेम जो है वो एक डिफरेंट सीजन के ऊपर है। द नॉवल बिगिंस विद ऑटम, ऑटम से जो है नॉवल की स्टार्टिंग होती है, एंड एंड्स विद समर, और समर पे एंडिंग होती है।
द फोर सेक्शन आर फर्दर डिवाइडेड इंटू चैप्टर्स, और फोर सेक्शन जो है बाद में आगे जाके और चैप्टर्स के अंदर डिवाइड होते हैं। मोस्ट ऑफ द चैप्टर टाइटल्स आर टेकन फ्रॉम दिस सिमुलेटेड टेक्स्ट ऑफ ए डिक एंड जेन रीडर, यानी ये जो मोस्टली जो चैप्टर के टाइटल्स हैं वो लिए गए हैं, डिक और जेन जो है वो चिल्ड्रन बुक्स हैं उससे इसके टाइटल्स लिए गए हैं। नरेटर, नरेटर जो है इसके टू नरेटर्स हैं, क्लोडिया मैकटियर हु नरेट्स इन ए मिक्सचर ऑफ चाइल्ड एंड अडल्ट प्रस्पेक्टिव, यानी क्लोडिया जो है एक चाइल्ड के प्रस्पेक्टिव से भी और एक अडल्ट के प्रस्पेक्टिव से भी स्टोरी को नरेट करती है, और दूसरा जो है वो एक ओमनिशियंट नरेटर है जो कि स्टोरी को शो करता है, यानी टू नरेटर इस बेसिकली नॉवल के अंदर है। पॉइंट ऑफ व्यू, नॉवल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें दिखाया गया है, क्लोडिया एंड पेकोलास पॉइंट ऑफ व्यू आर डोमिनेंट, यानी नॉवल के अंदर मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लोडिया के और पेकोला के हैं। बट वी आल्सो सी थिंग्स फ्रॉम कॉली पॉलेंस एंड अदर करेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें जो है कॉली जो कि बेसिकली पेकोला के फादर हैं और पॉलिन जो पेकोला की मदर है उनके और अदर करेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टोरी जो है शो की गई है। पॉइंट ऑफ व्यू इज डेलिबरेटली फ्रेगमेंटेड टू गिव ए सेंस ऑफ करेक्टर्स एक्सपीरियंस ऑफ डिसलोकेशन एंड टू हेल्प अस सिंपैथाइज विद मल्टीपल करेक्टर, और पॉइंट ऑफ व्यू जानबूझ के जो है फ्रेगमेंट किया गया है उनको अलग अलग के करेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए शो किया गया है ताकि हमें एक्सपीरियंस हो और जो है हमारा जो सिंपैथाइज है वो सिर्फ एक करेक्टर की तरफ ना हो बल्कि जितने भी करेक्टर्स हैं जिनको शो किया गया है यानी मल्टीपल करेक्टर्स जो है उनके लिए हमारी संपत्ति हो, यानी उनकी अपनी अपनी एक अलग स्टोरी है और वो जो मेन सारी जो स्टोरी मिलती है तो वो अलग अलग करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से शो की गई है। प्रोटेगोनिस्ट, ऑब्वियसली इसका ये प्रोटेगोनिस्ट जो है पेकोला ब्रिडलव है, पेकोला जो है मेन करेक्टर है इसकी। मेजर कन्फ्लिक्ट, और मेजर कन्फ्लिक्ट अब स्टोरी के अंदर कब होता है, पेकोला नीड्स टू रिसीव लव फ्रॉम समबडी, पेकोला को जो है चाहती है कि कोई जो है उससे प्यार करे, बट हर पेरेंट्स एंड दी अदर मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी आर अनेबल टू लव हर, बट ना तो उनके उसके पेरेंट्स और ना ही उसकी कम्युनिटी के लोग ही उससे प्यार करते हैं, बिकॉज दे हैव बीन डैमेज एंड डाइवर्टेड इन देयर ओन लाइफ, क्योंकि वो खुद ही अपनी लाइफ में इतने ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा बुरी तरह से वो हारे हुए हैं और कुचले हुए हैं, परेशान हो रखे हैं कि उसको कहीं से भी कोई प्यार जो है वो नहीं मिलता है पेकोला को, ना अपनी फैमिली से और ना ही कम्युनिटी से। इसके अंदर राइजिंग एक्शन क्या है स्टोरी के अंदर, कॉली ट्राइज टू बर्न डाउन द फैमिली हाउस, कॉली जो पेकोला के फादर हैं वो घर को जो है जला देते हैं, पेकोला स्नैप्ड बाय ग्रोसर, टॉर्मेंटेड बाय बॉयज एंड ब्लेम फॉर किलिंग ए कैट, पेकोला ऑब्वियसली क्योंकि ब्लैक थी तो उसको जो है जो ग्रोसर है वो उसको डांटता रहता है और बॉयज उसको टॉर्मेंट करते हैं, और बेसिकली जो एक बार तो उसके ऊपर जो है वो ब्लेम कर देते हैं कि उसने एक कैट को मारा है, तो ऑब्वियसली ये सारे एक्शंस जो हुए स्टोरी के अंदर हुए हैं। क्लाइमेक्स क्या था स्टोरी का, स्टोरी का क्लाइमेक्स बेसिकली क्या है कि पेकोला फादर रेप सर, कि पेकोला के फादर ही जो है उसका रेप करते हैं, ये स्टोरी का क्लाइमेक्स था। फॉलिंग एक्शन क्या है स्टोरी के अंदर, पेकोला इज बीटन बाय हर मदर, पेकोला की मदर उसको बुरी तरह से मारती है, रिक्वेस्ट ब्लू आईज फॉर शॉप हेड चर्च, और बेसिकली पेकोला रिक्वेस्ट करती है चर्च के अंदर कि उसकी आईज जो है ब्लू हो जाए, बिगिंस टू गो मैड एंड लूजेज हर बेबी, और इसी उसमें जो है ब्लू आई की उसकी जो डिजायर रहती है वो होती है, और इसी उसमें पेकोला पागल हो जाती है और उसका बेबी भी एक्सपायर हो जाता है। स्टोरी के अंदर सिंबल्स भी यूज किए गए हैं, तो बेसिकली सिंबल्स क्या क्या है स्टोरी के अंदर, द हाउस है, डब्ल्यू एस टाइज है, हाउस जो है वो फर्स्ट सिंबल है, द हाउस द नोवल बिगिंस ए सेंटेंस फ्रॉम डिक एंड जेन नरेटिव, जो नोवल है वो डिक एंड जेन नरेटिव से स्टार्ट हुआ होता है। हेयर इज द हाउस, होम्स नॉट ओनली इंडिकेट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इन दिस नॉवल बट दे ऑल्सो सिंबलाइज द इमोशनल सिचुएशन एंड वैल्यूज ऑफ द करेक्टर हु इनहैबिटेड देम, स्टोरी के अंदर बेसिकली दिखाया गया है कि जो
हाउस सिंबल सिंबलाइज करता है इमोशनल सिचुएशन और वैल्यूज जो कि करेक्टर्स के अंदर हैं उनके बारे में। द ब्रीड लव अपार्टमेंट इज मिजरेबल, बहुत ही ज्यादा मिजरेबल है। सफरिंग फ्रॉम मिसिस ब्रीड लव प्रेफरेंस फॉर द एम्प्लॉयर्स होम ओवर हर ओन, मीन्स मिसिस ब्रीड लव जो है वो चाहती है कि उसका घर जो है वो अपने घर से ज्यादा एम्प्लॉयर्स के होम को प्रेफर करती है। एंड सिंबलाइजिंग द मिजरी ऑफ द ब्रीड लव फैमिली, और वो सिंबलाइज करती है कि वो घर घर ना होके उसका मिजरी का जो है वो एक सिंबल है। तो बेसिकली ये हाउस का जो सिंबल्स है वो स्टोरी के अंदर यूज किया गया है। द मैक्टियर हाउस इज ड्राफ्टी एंड डार्क, मैक्टियर का जो हाउस है वो डार्क है बट इज केयरफुली टेंडेड बाय मिसिस मैक्टियर, लेकिन बहुत ही मिसिस मैक्टियर ने बहुत अच्छे से इसको जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू क्लॉडिया फिल्ड विद लव सिंबलाइजिंग दैट फैमिली इज कंपैरेटिव कोहेंसन, और बेसिकली और ये सिंबलाइज करता है लव का, और ये बेसिकली शो करता है कि फैमिली के अंदर जो है आपसी जो है लव है कोऑर्डिनेशन है। तो ये बेसिकली हाउस का जो है कंसेप्ट शो में किया गया है, सिंबल बेसिकली यूज किया गया स्टोरी के अंदर। उसके बाद सेकंड सिंबल जो है वो ब्लूएस्ट आईज का है। टू पेगोला ब्लू आईज सिंबलाइजेस द ब्यूटी एंड हैप्पीनेस दैट सी एसोसिएटेड विद द वाइट मिडिल क्लास वर्ल्ड, और पेकोला जो है पेकोला के लिए ब्लू आईज सिंबलाइज करती हैं ब्यूटी का। वो ये मानती है कि अगर जो जिनकी आईज ब्लू हैं तो बेसिकली वो ब्यूटीफुल हैं, और जिनकी ब्लू आईज नहीं है इट मीन्स वो अगली हैं। और ये मानती है कि हैप्पीनेस जो है वो एसोसिएटेड करता है ब्लू आईज से, अगर उसकी ब्लू आईज होगी तो इट मीन्स कि वो भी जो है जो वाइट मिडिल क्लास है उसके साथ एसोसिएट कर पाएगी, उनके साथ बराबरी कर पाएगी। दे ऑल्सो कम टू सिम्बलाइज हर ओन ब्लाइंडनेस, लेकिन वो जो ब्लूएस्ट आईज है वो उसकी खुद की ब्लाइंडनेस भी शो करते हैं कि कैसे जो है वो समझ नहीं पाती कि उसको खुद को चेंज होने की जरूरत नहीं है, इवन वर्ल्ड को उसके लिए चेंज, वर्ल्ड को आप ब्यूटी का जो कंसेप्ट है वो चेंज होना चाहिए बजाय कि पेकोला को। फॉर शी गेन्स ब्लू आईज ओनली एट द कॉस्ट ऑफ हर सैनिटी, और उसको आखिर में जो है वो मतलब उसको वो जो पागल होती है तो उसको लगता है कि फाइनली उसने जो है ब्लू आईज गेन कर ली, क्योंकि उसके पागलपन में उसका बच्चा भी जो है उसका मिसकैरेज होता है, तो सब उसको एज ए सिंपैथी से जो देखते हैं तो उसको लगता है कि जो ब्लू आईज होने के बाद उसको लव जो प्यार मिलना चाहिए था वो उसको मिल रहा है, इट मीन्स कि उसको ब्लू आईज जो है वो मिल गई है। तो ये पूरा जो है ये सिंबल्स इसके अंदर यूज किए गए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो बेसिकली डब्ल्यू एस टाइज के, और एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स में से कवर करता है कि जैसे आपको पब्लिकेशंस के बारे में पूछा जाएगा, पब्लिकेशंस के बारे में पहले नहीं पूछा जाता था लेकिन आजकल एग्जाम में जो है वो पब्लिशर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है आपको सिंबल्स यूज करते हैं, सिंबल्स के बारे में क्वेश्चन आएगा, आपको सेटिंग के बारे में क्वेश्चन आएगा, उसके बाद टाइम पीरियड पूछा जाएगा पब्लिशिंग से रिलेटेड। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस वर्क से रिलेटेड वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर।